सो हेलो गाइस, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड सलाम। वेलकम टू स्टूडियो 99 एंड टुडे आई विश टू टेल यू समथिंग अबाउट अ लाइफ लर्निंग फ्रॉम अ मूवी और अ वेब सीरीज वी कैन से। जब तक किसी भी चीज़ का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आप अपनी लाइफ में उतार ना पाए, तब तक के लिए वो चीज़ सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट ही बन के रह जाती है और उसको एंटरटेनमेंट तक ही सीमित रखना भी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ देखते हैं और उसी को फिर फैंटेसाइज करने लगते हैं दैट आई ऑल्सो वॉन्ट दिस थिंग टू हैपन इन माई लाइफ, जो होती नहीं है, बहुत रेयरली होती है। तो जिन लोगों के लिए होती है तो उन पे खुदा मेहरबान, बाकी गधा पहलवान इनकी लाइफ में नहीं होती। तो फाइन, तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे बॉलीवुड मूवी में हम अगर बात करें, किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान, किसी की भी बात करें, तो यार मैंने लाइफ में कुछ फ्लाइट्स, बहुत सी ट्रेन्स और कुछ बसेस छोड़ी हैं, मेरी सिमरन तो नहीं आई। तो एनीवे, तो ये तो एक लाइटर नोट पे मैं एक बात बोल रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग यू समथिंग कि व्हाट इज़ द टेक अवे होम। तो आई एम टेलिंग यू समथिंग अबाउट कोटा फैक्ट्री। जब से मैंने वो वेब सीरीज़ देखी है, तब से मुझे ऐसा लगा है कि ये वो वेब सीरीज़ थी जिसमें से ऑलमोस्ट बहुत सी इम्पॉर्टेंट चीज़ थी जो टेक अवे होम मुझे क्लियरली दिख रही थी, एंड इट वॉज रियली वर्थ टू वॉच। ऑफकोर्स आपने ज़रूर देखी होगी, मोस्ट ऑफ यू हु आर वॉचिंग मी राइट नाउ आप ऑलरेडी देख चुके हो। आई जस्ट वॉन्ट यू टू जस्ट गो बैक, एक बार रिविजिट करते हैं हम उसको एक छोटे से वीडियो में, और उससे एक बार एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कौन से ऐसे लाइफ लेसन थे जो हमें उस मूवी ने, उस वेब सीरीज ने सिखाए, जो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे हिसाब से दीज वर लाइफ लेसन्स। कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ाया जाए किसी को भी, एक छोटी सी बात भी अगर बताई जाए तो वो उनकी लाइफ में उसका क्या महत्व हो सकता है और उससे क्या सीखने को मिलता है एक इंडिविजुअल को, वो सीख बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। चलिए तो हम बात करते हैं कोटा फैक्ट्री की। बेसिकली ये पूरी वेब सीरीज बेस्ड है उसी यू नो पॉइंट के ऊपर कि क्या स्टूडेंट लाइफ है, क्या उनका स्ट्रगल है कोटा में, एजुकेशन हब फॉर स्टूडेंट्स एंड हाउ पीपल गो देयर, हाउ पीपल रिमेन ओवर देयर, हाउ पीपल लिव ओवर देयर, क्या स्ट्रगल्स होती है उनकी, क्या डिफिकल्टीज होती है, तो ये सारी चीज़ें थी। तो चलिए लेट्स टॉक ऑफ फाइव लेसन्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम द वेब सीरीज कोटा फैक्ट्री। लेसन नंबर वन, नीड ऑफ अ मेंटोर। व्हेन आई एम सेइंग मेंटोर, आई डोंट मीन टीचर्स। टीचर तो आपके मेरे सबके रहे हैं, आप किसी भी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन कहीं पे भी जाएंगे, यू विल हैव टीचर्स। आई एम टॉकिंग ऑफ अ मेंटोर। एक मेंटोर वो पर्सन होता है जो आप पे ध्यान देता है, आपकी गलतियों को आपके सामने क्रैश करता है, आपके अंदर छुपी हुई नेगेटिविटीज को वो डायरेक्ट अटैक करता है, आपको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की आपकी क्षमता जो होती है, आपकी क्षमता को बढ़ाता है और आपको सही राह दिखाता है, गाइड करता है, सुपरवाइज करता है और आपको अपनी लाइफ में लाइफ एनरिचमेंट, इन शॉर्ट आई कैन से इज लाइफ एनरिचमेंट में आपको बहुत सहयोग देता है वो, दैट पर्सन इज मेंटोर। तो कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया का जो कैरेक्टर था, जीतू भैया वॉज द रियल मेंटोर। एवरी पर्सन नीड्स अ मेंटोर। टीचर्स तो देखो और भी थे, फैकल्टीज और भी थी वैभव की कोटा फैक्ट्री में, द कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर वैभव, लेकिन व्हाट रोल है जीतू भैया प्लेड, ये हमें देखना चाहिए कि जीतू भैया का वो स्पेशल क्या चीज़ थी जो उन्होंने बच्चों को सिखाई या उन्होंने बच्चों को प्रैक्टिकल चीज़ बताई। मुझे कुछ कुछ सीन्स एकदम से फ्लैशबैक में आते हैं जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सीन थे, शायद उनकी व्याख्या की जाए तो शायद और समझ पाए, लेकिन आई अंडरस्टैंड, आई नो दैट आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया हो। सो दैट इज़ माई लाइफ लेसन नंबर वन, दैट इज नीड ऑफ अ मेंटोर। लाइफ लेसन नंबर टू इज नो नीड ऑफ बींग परफेक्ट। आई नो पीपल टॉक अ लॉट अबाउट यू नो हैविंग परफेक्शन, फिर कई बार ऐसा भी होता है, वी नो दैट परफेक्शन इज नॉट अटेनेबल, बट एटलीस्ट इफ यू ट्राई टू बिकम परफेक्ट यू कैन गो नियरर टू दैट परफेक्शन। फाइन,
बट यहाँ पे ये चीज सिखाई गई है, बताई गई है दैट यू कांट बी परफेक्ट इन ऑल द फील्ड्स एंड दैट इज फाइन। आप अगर किसी जगह पे अच्छे हो तो जरूरी नहीं है कि हर जगह पे यू विल हैव द सेम कैलिबर, सेम परफॉर्मेंस, सेम रिजल्ट। लाइफ में ऊपर नीचे हमेशा चलता रहेगा। जीतू भैया ने यही चीज सिखाई थी। देर इज अ सीन जहां पे वैभव आके बात, वैभव और मीना, मीना जो वैभव का फ्रेंड है, दोनों जाके जीतू भैया से बात करते हैं और उनको बोलते हैं कि ये एक सब्जेक्ट में, आई गेस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सब्जेक्ट था, उसमें उनको प्रॉब्लम आ रही है। एंड ही सेज दैट उसको छोड़ो, तुम उसको जाने दो, जो तुम्हारा स्ट्रांग एरिया है तुम उस पर फोकस करो। राइट, देर आर थिंग्स दैट यू विल हैव टू चेक विद योर सेल्फ, एंड ये आपका खुद का चेक होगा कि आप परफेक्ट हैं या नहीं है। एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें आप परफेक्ट नहीं हैं, सो दैट इज़ फाइन। आप कहीं भी परफेक्ट नहीं हैं तो कहीं पे आप परफेक्ट हैं भी, तो अपने प्लस पॉइंट्स को पहचानिए और उनकी हेल्प लेके अपनी कमजोरियों पे भी विजय हासिल कीजिए, उन पे भी विजय हासिल कीजिए। सो दैट वॉज लाइफ लेसन नंबर टू, दैट इज नो नीड ऑफ बींग परफेक्ट। थर्ड लाइफ लेसन इज फॉर्मिंग अ हैबिट। हैबिट फॉर्मेशन कितनी ज़रूरी होती है, स्पेशली एक ऐसे पर्सन के लिए, एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो अपने करियर बनाने की शुरुआत कर रहा है, करियर में आगे बढ़ना चाहता है और उसको अपनी लाइफ में एक ट्रैक पे आने की ज़रूरत है। दैट इज़ द टाइम व्हेन ही और शी नीड्स अ हैबिट फॉर्मेशन। आपको अपने इल हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा, गुड हैबिट्स को संभालना पड़ेगा, रखना पड़ेगा और उस पे ही अपना पूरा वर्क करना पड़ेगा रेगुलरली। तो यहाँ पे भी इस वेब सीरीज में अगेन देयर इज अ सीन जहाँ पे ऐसे ही हैबिट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं क्लास में। जीतू भैया इज टॉकिंग टू वैभव इन फ्रंट ऑफ अदर्स, एंड कहीं पे कुछ ऐसी बात होती है जहाँ पे वैभव ये बताता है दैट ही इज गोइंग थ्रू सम प्रॉब्लम्स बिकॉज ही इज न्यू, ही इज नॉट एबल टू कोप अप विद द न्यू प्लेस और हिज ईटिंग हैबिट्स, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स दैट आर यू नो इन फ्रंट ऑफ हिम एज अ चैलेंज, एज अ प्रॉब्लम। तब जीतू भैया उसको समझाते हैं कि कोई भी चीज़ जो आपको किसी भी काम करने को रोकती है, सबसे पहले अपना, अगर कोई चीज़ में आपको लगता है कंफर्ट जोन में आप आ गए हो, जो आपकी हैबिट बन गई है, जो एक्चुअली होनी नहीं चाहिए, यू शुड ट्राई समथिंग एल्स बट यू आर इन योर कंफर्ट जोन, स्टेप नंबर वन, सबसे पहले उस हैबिट को तोड़ो, सबसे पहले उस हैबिट को तोड़ो। और जो काम करने में मन नहीं लगता, सबसे पहले वही काम को उठाओ और करो। जैसे कि इन द सीन जीतू भैया टेल्स अबाउट मैस में, जो तुझे खाना पसंद नहीं है तू वही खाना खा, जो सब्जेक्ट पढ़ना पसंद नहीं है तू उसी सब्जेक्ट पे ज़्यादा टाइम दे, पढ़ उसको, हैबिट बना। तुझे लग रहा है तू बैठ के नहीं पढ़ाई कर सकता तो बैठे रहे, सिटिंग बना, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, मैं इस जगह से उठने ही नहीं वाला, ठान ले। क्योंकि सीधे सीधे आपकी जो कमजोरियां हैं वो आपके ईगो के साथ जुड़ी होती है, आपका ईगो टूटेगा तो यू विल बी एबल टू डेवलप अ न्यू हैबिट। बट ये हैबिट को कब तक करना है, 21 डेज, एज पर एज जीतू भैया, एज पर एज मैनी रिसर्चेस। दो आई सजेस्ट पीपल टू गो फॉर 14 डेज एटलीस्ट, बट हाँ 21 डेज इज वॉट दे हैव टोल्ड वी शुड लर्न। 21 दिन में आप कोई सी भी हैबिट को छोड़ भी सकते हो और नई बना भी सकते हो। जैसे जीतू भैया टॉक्स ऑफ गिविंग अप ऑफ हिज हैबिट ऑफ स्मोकिंग, कि वो एक दिन में दो दो पैकेट स्मोक कर जाते थे, बट देन ही गेव इट अप। एंड उन्होंने बोला कि एक बार जब आप फॉर्म में आ जाते हो, जब आप उस हैबिट को अपने अंदर ले आते हो 21 डेज के बाद, तो कभी कभी कुछ कुछ डेज में चीट्स आर अलाउड। अगेन दैट वॉज अ गुड लेसन, लेसन नंबर 3, दैट इज फॉर्मिंग अ हैबिट। लेसन नंबर 4 इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। ये फ्रेंडशिप बॉन्ड को जितने लोगों के साथ वहां पे बताया गया और जिस खूबसूरती के साथ बताया गया है, जैसे कि मीना की जो सिंप्लिसिटी बताई है, मीना का जो लास्ट सीन बताया है वैभव के साथ, इट इज जस्ट अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, बिल्कुल यहाँ यहाँ हिट करता है आपको। लास्ट सीन में व्हेन ही इज अबाउट टू लीव फॉर अ न्यू प्लेस, ही इज लीविंग दिस हॉस्टल, ही इज लीविंग हिज रूमी, और वहाँ पे रूम के बाहर ऑन द स्ट्रीट दे आर जस्ट टॉकिंग, एंड वो ये बोल रहा है, वैभव उसको कन्विंस कर रहा है कि मैं बीच में आता रहूँगा, डोंट वरी, मैं कोई जगह छोड़ के नहीं जा रहा यार, आई कम टू मीट यू इन रेगुलर इंटरवल्स। मीना उसको वहाँ पे ये जवाब देता है कि यार साथ रहने में और कभी कभी मिलने आने में बहुत फर्क होता है।
और वो ये भी बोलता है कि यार कोई नहीं, तू जा पढ़ाई कर, अपना बढ़िया करियर बना। और एक लाइन वो बहुत खूबसूरत लाइन बोलता है कि यार तू आराम से, तू अपना करियर बना, दोस्ती है, कोई सिलेबस थोड़ना है कि करना ही है। तो मीना अपनी जो सिंप्लिसिटी में इस चीज़ को बोलता है, इट इज़ अ बिट इमोशनल सीन, एक बहुत बॉन्ड वाला सीन है ये, फ्रेंडशिप बॉन्ड वाला। और वैसे भी अगर हम अपनी लाइफ में भी देखें ना, हम चाहे स्कूल में थे या स्कूल हमने चेंज किया, अलग अलग स्कूल में गए, या फिर देन वी शिफ्टेड टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी एंड वॉट एवर लेवल और वॉट एवर सिटीज, इवन फॉर जॉब्स, एवरी न्यू प्लेस वी हैड अ न्यू पर्सन टू रिलाई ऑन, अ न्यू पर्सन शोल्डर टू क्राई ऑन, अ न्यू पर्सन हग टू हैव। सो वी ऑलवेज हैड दिस वन बॉन्ड विद एवरी एवरी प्लेस वी हैड वन और द टू पीपल दैट वी वुड ऑलवेज गो टू, एंड दीज आर द पीपल हु हैव एक्चुअली इंस्टिल्ड कॉन्फिडेंस इन अस। मुझे एक सीन ये भी याद आता है वेब सीरीज में, जब स्टार्टिंग का सीन है, जीतू भैया कुछ सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चन उसको देते हैं, वैभव को चैलेंज देते हैं कि एक नाइट में पूरे करके ला, तब हाउ ही इज रशिंग टूवर्ड्स डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के पास जाता है, मीना एक और फ्रेंड के पास ले जाता है जो रात भर उसके साथ घूमता है, अरेंजमेंट करता है, हाउ ही इज लीविंग अप हिज ओन वर्क एंड देन गिविंग हिज एंटायर टाइम टू दिस पर्सन। शायद ये रियल फ्रेंडशिप है। एंड यू नो अभी रिसेंटली जैसे हम लोग लॉकडाउन से ही बाहर निकले हैं, इस पैसेज में हमको भी एक्चुअली ये चीज़ क्लियर हो गई है कौन जेन्युइन फ्रेंड है और कौन जेन्युइन फ्रेंड नहीं है। मैं एक बात यहाँ पे ज़रूर ऐड करना चाहता हूँ, कोटा फैक्ट्री के बाहर की बात है बट ये रियल लाइफ की बात है, आपकी जितनी भी गुड मेमोरीज है, जितने भी अच्छे इवेंट्स हैं लाइफ के, इन सारे इवेंट्स में जितने लोग सेल्फी में या आपके साथ फोटो फ्रेम में दिखते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये ही आपके रियल फॉर एवर फ्रेंड्स हैं। आपका रियल फ्रेंड शायद वो होता है जो आपके बैड टाइम्स में आपके बाजू में खड़ा रहता है। बैड टाइम्स मतलब या तो आप किसी प्रॉब्लम में हो तब वो आपके साथ है, किसी विपत्ति में फंस गए तो वो आपके साथ है, या फिर आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, माइंडसेट गलत हो चुका है, ईगो आ गया है, मतलबी हो चुके हैं आप, तब जाके वो फ्रेंड आके आपको आपकी गलती बताए बताए दैट दोस्त यू आर रॉन्ग, दिस इज वॉट अ रियल फ्रेंड इज। तो आपको दो लोगों की फ्रेंडशिप पता करनी है तो आपको किसी भी सेकेंड पर्सन का बींग अ फ्रेंड, उसका फ्रेंड टेस्ट तभी होगा जब आप किसी डिफिकल्ट टाइम में, आपके बुरे टाइम में ही आपको रियल फ्रेंड के बारे में आपको पता लगता है। दिस वॉज माई पॉइंट नंबर फोर, लाइफ लेसन नंबर फोर, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। लास्ट वाला जो पॉइंट है लाइफ लेसन नंबर फाइव, दैट इज सेक्रीफाइसिंग टूडेज हैप्पीनेस फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर। कई बार लाइफ में हमें सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, कोटा फैक्ट्री जैसा कि मैं स्टार्टिंग में आपको बोल रहा था, इट इज़ नॉट अ राज सिमरन स्टोरी जहाँ पे राज सिमरन को लेके ही जाएगा एंड पब्लिक लास्ट में तालियां पीटेगी और फिर घर चली जाएगी और भूल जाएगी। कोटा फैक्ट्री को इसीलिए टेक अवे होम में बोलता हूँ क्योंकि कोटा फैक्ट्री में ऐसे सीन हैं जहाँ पे आप क्या सेक्रीफाइस करना चाहते हो। जीतू भैया तो स्टार्टिंग में खुद ये बोल देते हैं कि अभी टाइम है आपके पास, कुछ गैप है, कुछ छुट्टी आ रही है, तो आप ज़्यादा पढ़ाई ना करो, कुछ आउटिंग करो, नई जगह पे आए हो, कोटा में घूमो फिरो, एक्सप्लोर करो जगह को। खुद बोल देते हैं दैट फाइन यू नीड अ ब्रेक ऑल्सो। एंडिंग में भी हम देखते हैं जब ये नई जगह पे शिफ्ट होना चाह रहा है वैभव, तब ही इज हैविंग दिस हिज लव इंटरेस्ट, वो उसके लिए रुके वहाँ पे, उसको सेक्रीफाइस करे या अपना करियर बनाए, अपने फ्रेंड को, फ्रेंडशिप जो उसकी थी बाकी दो तीन लोग साथ जो बॉन्ड था उसको छोड़े और नई जगह पे जाए। हिज फ्रेंडशिप वॉज एट स्टेक बट सो एज हिज करियर, ही चोज करियर थिंग एंड वी ऑल फाउंड इट वेरी प्रैक्टिकल एंड दैट इज वॉट मेक्स अस एन इंटेलिजेंट और अ वेरी लॉजिकल मूव आई वुड से फॉर अ पर्सन, फॉर एनी एनी पर्सन हु वॉन्ट्स टू मेक दैट मार्क इन हिज करियर। तो मुझे लगता है इट वॉज क्वाइट प्रैक्टिकल। ये पांच लाइफ लेसन हमको कोटा फैक्ट्री के जो पढ़ने को, समझने को, सुनने को, देखने को मिलते हैं, दीज आर रियल डिलाइट्स एंड टेक अवे होम्स जो हम हमारी लाइफ में उतार सकते हैं समझने के बाद, आई गेस। तो आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन, लाइफ लेसन नंबर वन, दैट इज नीड ऑफ अ मेंटोर। लाइफ लेसन नंबर टू, दैट इज नो नीड ऑफ बींग परफेक्ट, यू आर ओके, यू आर ह्यूमन बींग, सो इम्परफेक्शन इज अ ट्रेट दैट यू आर अ ह्यूमन बींग, नॉट गॉड। थर्ड इज फॉर्मिंग अ हैबिट, 21 डेज। फोर्थ इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप,
सो एवरी टाइम फ्रेंडशिप विल प्ले इट्स इम्पॉर्टेंट रोल. कभी कोई नया रिश्ता भी आप बनाओगे, आप उसमें भी कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप ढूंढते हो. दैट इज द मैजिक ऑफ फ्रेंडशिप. एंड द लास्ट इज सेक्रीफाइसिंग टूडेज हैप्पीनेस फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर. कई बार लाइफ में हमें आज की अपनी चीजें, ऑफकोर्स सी व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट सक्सेस यू हैव टू हैव पेशेंस, हार्ड वर्क, लक इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट वॉट इज मोर इम्पॉर्टेंट इज सेक्रीफाइस. आप क्या देना चाहते हैं अगर आप कोई बड़ी मांग रखते हैं ऊपर वाले के सामने तो. एनी वे, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. आई होप ये 5 लेसन्स आपको याद भी होंगे. नहीं याद है, अगर नहीं देखिए, आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू प्लीज गो एंड वॉच कोटा फैक्ट्री. यू विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट. थैंक यू सो मच. घर पे रहिए, आराम से रहिए, वेब सीरीज देखिए, काम कीजिए और स्टे फोकस्ड. थैंक यू गाइज. बाय बाय.